हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी कर लो चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हिंदी शब्द रचना, जो कि सीटीईटी और यूजीसी नेट की क्लास 10 है। आपने 1 से 9 तक की क्लासेस देखी हैं और यूनिट 1 के क्वेश्चंस आंसर की 4 सीरीज देखी हैं। अगर दोस्तों आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम पूरा जो हमारा सिलेबस है वह कवर करने की कोशिश करेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज का टॉपिक है हिंदी शब्द रचना, जिसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय, विदेशज उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग इत्यादि यहां हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है हिंदी शब्द रचना, जिसमें शब्द रचना का आशय नए शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट और शब्द गठन से है। इसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय व समास आदि आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। सबसे पहला है उपसर्ग। उपसर्ग को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग के जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां दिया हुआ है प्राधनहार, प्रहार, विधनहार, विहार, पराधन जय, पराजय, अभिधन मुख, अभिमुख। तो ये कुछ उदाहरण है जो कि उपसर्ग के हैं। अब उपसर्ग के भेद देखते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला तत्सम, फिर तद्भव और तीसरा विदेशज। तत्सम उपसर्ग पहला है। तत्सम उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपसर्गों का उद्गम संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग निम्न प्रकार के हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग के अर्थ एवं उनके शब्द रूप तो कौन कौन से हैं, उनका अर्थ भी देखते हैं और उनसे बने शब्दों के बारे में भी यहां देखते हैं। एक तरफ है उपसर्ग, दूसरी तरफ अर्थ और तीसरी तरफ उससे बने हुए शब्द रूप। तो अति पहला उपसर्ग है। अति, अधिक, ऊपर, उस पार, उल्लंघन, अत्याचार, अतिशय, अतिकाल, अत्यधिक, अति दृष्टि। तो ये उससे बने हुए शब्द हैं। दूसरा है अधि। अधि का अर्थ है ऊपर, स्थान में श्रेष्ठ। शब्द रूप बनेगा इससे अधिकरण, अधिकार, अधिभार, अध्यात्म। फिर है अभी, अर्थ है सामने, अधिक, और। अभिनय, अभिलाषा, अभिसार इससे शब्द बनेगा। फिर है अनु, पीछे, समान, साथ इससे बने शब्द हैं। अनुक्रम, अनुज, अनुशासन, अनुस्वार। अप, बुरा, हीन, अभाव, दूर, उल्टा इससे बने हुए शब्द हैं। अपकीर्ति, अपयश, अपभ्रंश, अपमान। औ, अर्थ है नीचे, हीन, अभाव, बुरा बने हुए शब्द हैं। अवगत, अवनति, अवसर, अवस्था। उप, अर्थ है निकट, गौण, सदृश। उपहार, उपकार, उपदेश, उपक्रम, उपलक्ष्य। फिर है उत, उद, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ शब्द हैं। उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख। अगला शब्द है दुर्दुष। दुर्दुष बुरा, दुष्ट, कठिन बने हुए शब्द हैं। दुराचार, दुस्साहस, दुर्गम, दुर्बल, दुराग्रह। निर, बाहर, निषेध, दूर, रहित। निर्वाह, निर्दोष, निर्णय। निस, अर्थ है बिना, बाहर शब्द है निसंदेह, निष्कासन, निस्वार्थ। परा, अर्थ है पीछे, अनादर, नाश, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परास्त। परि, अर्थ है चारों ओर, आसपास, परिजन, परिभ्रमण, परिवहन, परिचर्चा, प्रति, वापस, ओर, तरफ, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, वि, भिन्न, विशेष, अभाव शब्द हैं। विकल, विकास, विज्ञान, विशुद्ध, वियोग। कु मतलब बुरा, कुप्रथा,
कुकर्म कुख्यात कुदृष्टि सम सम्यक अच्छा साथ संकल्प संग्रह संगम सम अच्छा सम्यक अच्छा साथ संकल्प संग्रह संगम सा सहित साथ शब्द है सहित सरस सजग सु अर्थ है अधिक अधिक अच्छा शब्द है सुकर्म सुकाम सुगम। अगला है नि भीतर बाहर निक्षेप निदर्शन निपात निबंध निकम्मा। फिर है प्रा अधिक आगे प्रमाद प्रकाश प्रख्यात। अगला शब्द है आ अर्थ है तक और समेत। इससे बने शब्द हैं आकर्षण आमरण आहार आचरण। तो दोस्तों ये थे हमारे तत्सम उपसर्ग जो कि 22 हैं। 22ों के बारे में हमने देखा उसका अर्थ देखा और उससे बने हुए शब्दों के बारे में भी देखा। तो आप ये याद रखेंगे कौन कौन से तत्सम उपसर्ग हैं और कितने हैं उनसे बने हुए शब्द भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एक न एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। अगला है तद्भव उपसर्ग। तत्सम के बाद तद्भव उपसर्ग है। तद्भव उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जिनका विकास संस्कृत उपसर्गों या संस्कृत के अवयवों से हुआ है। ये उपसर्ग निम्नलिखित हैं। उपसर्ग के अर्थ हैं एवं उनके शब्द रूप। तो पहला है अन अर्थ है अभाव निषेध अचेत। शब्द बना हुआ है अनमोल अनमेल अनचाहा। उन अर्थ है एक कम 19 29 49 59। बिन निषेध या अभाव जिसका शब्द रूप है बिन देखा बिन जाने बिन माने। अध आधा अध कच्चा अध पका अध मरा। भर पूरा ठीक भरपेट भरपूर भरमार भरकोश। औ नी औ औ है औ का है हीन निषेध अवगुण अवघट अवसर। नी निषेध अभाव रहित शब्द है निश्चय निहत्ता निकम्मा निडर निधड़क। दुह बुरा हीन शब्द बने हुए हैं दुकाल दुर्बल दुष्कर्म दुश्चरित। का बुरा कपूत कचोट। कु बुरा कुचाल कुचैला कुचक्र। आ अभाव निषेध अधूता अथाह अटल। पर अर्थ है दूसरा या बाद का। शब्द बने हुए हैं परलोक परोपकार परसर्ग परहित। तो दोस्तों ये थे तत्सम उपसर्ग के शब्द उनके अर्थ और उनसे बने हुए शब्द। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कौन कौन से तत्सम उपसर्ग हैं। अब हम बात करते हैं विदेशज उपसर्ग की। तो यहां है विदेशज उपसर्ग। विदेशों से आए हुए उपसर्ग विदेशज कहलाते हैं। कुछ विदेशज उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तो कुछ विदेशज उपसर्ग कौन कौन से हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अरबी के उपसर्ग हैं जो हमारे पास यहां है। तो अरबी के उपसर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है अल जिसका अर्थ है निश्चित। शब्द रूप है अलमस्त अलगरज अलबत्ता। फिर है ऐन ठीक पूरा। इससे बने हुए शब्द रूप है एन वक्त एन वानी एन जवानी एन जवानी एन वक्त एन जवानी। फिर है फी जिसका अर्थ है प्रत्येक जिससे शब्द रूप है फी सैकड़ फी सैकड़ा फी आदमी। फिर है गैर उपसर्ग है गैर जिसका अर्थ है भिन्न विरुद्ध। शब्द रूप है गैर वाजिब गैर सरकारी गैर हाजिरी। फिर है बिल मतलब अर्थ है साथ बिल मुक्ता बिल्कुल। फिर है ला जिसका अर्थ है बिना। शब्द रूप है लाचार लावारिस लाजवाब लापरवाह लापता ला इलाज। फिर है उपसर्ग बे जिसका अर्थ है बिना बेतरह बेवकूफ बेरहम बेइज्जत बेचारा। तो ये हैं अरबी के उपसर्ग उनके अर्थ और उनसे बने हुए शब्द रूप। अब बात करते हैं फारसी के उपसर्ग की। फारसी के उपसर्ग में सबसे पहला है कम जिसका अर्थ है थोड़ा या हीन जिससे बने हुए शब्द रूप है कम कीमती कमजोर कम हिम्मत। अगला है खुश अच्छा खुशकिस्मत खुश शक्ल खुशबू। फिर है बा ओर में या अनुसार जिसका शब्द रूप है बदौलत बदस्तूर बनाम। फिर है बद जिसका
अर्थ है बुरा, बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदमाश, बदनसीब, बदतर। फिर है ना, अभाव, नादान, नापसंद, नाराज, नामुमकिन, ना उम्मीद। फिर है दर, जिसका अर्थ है में, शब्द रूप है दरकार, दरखास्त, दर हकीकत, दर किनार। तो ये थे फारसी के उपसर्ग। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में पहला है सम, जिसका अर्थ है अधीन, भीतरी, सह, और शब्द रूप है सबर, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब ऑफिस, सब कमेटी। फिर है हाफ, जिसका अर्थ है आधा, अर्ध, हाफ पैंट, हाफ मैड, हाफ टोन। हेड, अर्थ है प्रधान, प्रमुख, हेड कांस्टेबल, हेड मिनिस्ट्रेस, हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस। फिर है वाइस, उप नायब, छोटा, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो दोस्तों, हमने यहां उपसर्ग के बारे में सारा पढ़ा। उपसर्ग के तीन भेद होते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव और विदेशज। तो तत्सम उपसर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा, तद्भव उपसर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा, और विदेशज उपसर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा। तो अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों या धातुओं के अंत में जोड़े गए शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द होते हैं, शब्द के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। और शब्द के पहले जो जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय शब्द का निर्माण दो शब्दों प्रति धन ऐ से हुआ है। प्रति का तात्पर्य साथ में एवं ऐ का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का तात्पर्य है शब्दों के साथ परंतु बाद में चलने वाला। उदाहरण के तौर पर यहां दिए हुए हैं मनुष्य, धन, त्वा। यहां त्वा प्रत्यय है, मनुष्यत्व। शिशु, धन, ता। यहां ता प्रत्यय है, शिशुता। बंधु, धनत्वा। तो यहां प्रत्यय त्वा है, बंधुत्व। लघु, धनता। ता यहां प्रत्यय है, लघुता। प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने भेद हुए? दो, कृदंत और तद्धित। सबसे पहले कृदंत प्रत्यय क्या है? कृत, प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं एवं उनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के प्रति ए कृदंत प्रत्यय के निम्नलिखित पांच प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है भाववाचक। धातु के अंत में बड़ा आ, आई, आन, आप, आस, ई, तू, ती, नी, कट, हट, रा, नी, ना आदि शब्द जोड़ने पर भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनती हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बड़ा आ, आई, आन, आप, आस, बड़ी ई, बड़ा तू, ती, इंती, कट, हट, रा, नी, ना आदि शब्द जुड़ने पर भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनती हैं। उदाहरण दिए हुए हैं बड़ा आ से छापा, गुजारा, आई से चराई, रुलाई, लिखाई, लड़ाई, आन से पिसान, लगान, खदान, आप से क्लाप, कलाप, विलाप, अलाप, आओ से धुलाओ, चुनाव, घुमाओ, इया से छटिया, भुइया, भैया, बड़ी ई से डोली, बोली, ता से खपत, लागत, बनत, बड़ी ती से बढ़ती, रहती, बहती, ना से पुराण, मारण, लगन, ना में बड़ी की मात्रा, नी से मरनी, लड़नी, अनी, रा से ठोकर, जोकर, चोकर, वट से तरावट, सजावट, बुनावट, हट से घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट। तो ये थे हमारे भाववाचक, जो धातु है भाववाचक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे देखा। तो कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें याद रखना है कि ये आएंगे तो इसमें कौन सा होगा? भाववाचक होगा। दोस्तों, प्रत्यय, उपसर्ग और समास, इनसे जरूर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें हर एक टॉपिक से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयारी करिएगा।
अगला देखते हैं कर्मवाचक धातु। कर्मवाचक धातु के अंत में बड़ा ना, नामया की मात्रा ना, नी आदि शब्द जुड़ने पर कर्मवाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनती हैं। उदाहरण, ना से खाना पीना सोना आना जाना, नी से सूंघनी छननी घोटनी ओढ़नी। फिर है तीसरा है करणवाचक। वे प्रत्यय जो क्रिया के करण साधन को बताते हैं करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, बड़ा आ से झूला फांसा पोता घेरा, ई से फांसी चिमटी घंटी, ऊ से झाड़ू काड़ू माड़ू, ना से झाड़न जामन बेलन, बड़ा ना से कसना घोटना मारना। फिर है कर्तवाचक। ये प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का अर्थ प्रकट करते हैं कर्तवाचक। उदाहरण, अक पाठक, ता त्राता, सार मिलनसार, आका लड़ाका, एरा से लुटेरा। क्रियावाचक वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, आहट घबराहट चिल्लाहट हड़बड़ाहट, ता बहता मरता गाता पढ़ता। तद्धित प्रत्यय धातुओं को जोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से बने शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पहला था कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय के दो भेद थे कृदंत और तद्धित। तो कृदंत प्रत्यय हमने पढ़ लिया जिसके 5 भेद होते हैं। अब यहां पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से बने शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, समझना समझ, चमकना चमक, मारना मार, जांचना जांच। तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कृदंत 5 प्रकार के होते हैं वैसे तद्धित 6 प्रकार के होते हैं। पहला है भाववाचक। वे प्रत्यय जो भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बड़ा आ से है जोड़ना सराफा बजाना बोझा, आई से भुलाई ढिठाई चतुराई, आन ऊंचान नीचान चौड़ान, आयत से पंचायत अपनायत बहुतायत, ती से कमती घटती बढ़ती, पन से लड़कपन बालपन गंवारपन। कर्तवाचक वे प्रत्यय जो कर्तवाचक शब्द बनाते हैं कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, एड़ी गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी, एली भेली तबेली हथेली। संबंधवाचक वे प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, एरा चचेरा ममेरा, ईला रसीला रंगीला। फिर है अप्रत्ययवाचक वे प्रत्यय जो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ लगने पर संतान का बोध कराते हैं अप्रत्ययवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, ई जानकी मैथिली, ई दशरथी वाल्मीकि, ए कौनते गांगे। ऊनतावाचक वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं ऊनतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, ई पहाड़ी घाटी डोरी, की चिमटी चिमकी कनटी, टा कलूटा रोंगटा, टी चोटी बहुटी, ला बछड़ा चमड़ा मुखड़ा। फिर है स्त्रीवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आइन ठकुराइन, आनी देवरानी जेठानी, आ सूता छात्रा। तो दोस्तों यह था प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे समास, समाज के भेद पढ़ेंगे, कौन कौन से समाज है, परिभाषाएं उदाहरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां हम डीपली पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। आपके पास कोई सुझाव हो तो वो सुझाव हमें जरूर से जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।